प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को बड़ा तोहफा देती हुई गैस सिलेंडर के दामों में 100 रुपए की कटौती कर दिए हैं। और ऐसे में अब इसको लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया और कहा कि प्रधानमंत्री लगातार महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने में लगे हैं और यह गैस सिलेंडर के दामों में कटौती एक ऐतिहासिक फैसला है। वहीं राहुल गांधी ने यह फैसला लिया है कि वह व्हाई नॉट से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे में सम्राट चौधरी ने कहा कि सबसे ज्यादा अगर विकसित होने की जरूरत है तो वह राहुल गांधी को। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। 100 रुपए का दाम, 100 रुपए महिला दिवस के दिन महिलाओं को तोहफा दिया, कैसे देखते हैं? आप सुविधा हमारी जो बहने हैं उनको 100 रुपये का रियायत मिलेगा, ये एक ऐतिहासिक फैसला है। बहनों को इसी तरह सुविधा मिलेगी। सर, राहुल गांधी कहा जा रहा है कि इस बार फिर वायनाड से लड़ेंगे, उनकी कांग्रेस की सीसी ने कल ये तय किया है कि राहुल गांधी फिर एक बार वायनाड से ही चुनाव लड़ेंगे। देखिए, राहुल गांधी कहीं चुनाव लड़े, सबसे ज्यादा इस देश में विकसित होने की जरूरत आदरणीय राहुल गांधी जी को है। कांग्रेस पार्टी अपने चौथी पीढ़ी को लेकर